14 तारीख की हम बात करें तो सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि विद्यमान, लेकिन त्रयोदशी के साथ चतुर्दशी आने के कारण से उस दिन रात्रि में जो शुभ योग बना है वो विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मास की शिवरात्रि है, अधिक मास का अंतिम सोमवार, अधिक मास की शिवरात्रि सोमवार पर पड़ रही है, शायद वर्षों बाद ये योग बना होगा। पहले तो अधिक मास ही करीब करीब 2.5 साल बाद आता है, और अधिक मास सावन में आ जाए तो वो वैसे ही पुण्यकाल बढ़ गया, बहुत बढ़िया। और अधिक मास के दिन शिवरात्रि है वो सोमवार को पड़ जाए तो और पुण्यकाल बढ़ गया। तो सोचे कितने वर्षों बाद ये योग बन रहा है, बड़ा सुंदर है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं तो कोशिश ये करें ये खर्चे धर्म की तरफ लग जाएँ, वो अच्छे हैं, क्योंकि खर्चे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी महत्वाकांक्षा जो है, बहुत ज़्यादा उम्मीद बड़ी सोच से कोई आपको भारी पड़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन सुंदर दिवसों पर बहुत सारे जो आपको उपाय बताए हैं ये सब आश्रम पे लगातार चल रहे हैं। नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता है और सुंदर तरीके से, और शिवरात्रि के दिन तो बहुत विशाल रूप से रुद्राभिषेक करने का कार्यक्रम रखा गया है। आप उसमें अपने नाम से भी करा सकते हैं, स्वयं भी भाग ले सकते हैं। जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर समस्त सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त को भद्रा भी विद्यमान है, तो नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं माना जाता। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करने का प्रयास करें। सुबह 10:26 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, उसके बाद नए कार्यों में अपने आप को मत लिप्त कीजिएगा। रात्रि तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 15 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस हमारा है, उस सबकी बहुत शुभकामना आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उस दिन गणमूल नक्षत्र भी का आगमन हो रहा है, दोपहर को करीब करीब 2 बजे अश्लेषा नाम का नक्षत्र जो है वो पदार्पण करेगा, और ग्रहों के परिवर्तन से ये गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो 15 का दोपहर के बाद का समय, 16 पूरी और 17 का मध्यकाल तक ये गणमूल नक्षत्र अश्लेषा और मघा नाम के 2 नक्षत्र रहेंगे। तो ध्यान रखिए सिंह राशि वालों, आपके परिवार में यदि इस समय में कोई नया जातक जन्म लेता है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा व्यक्ति भारी रहेगा। ये ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, कुछ जुर्माना आप पर हो सकता है, अननेसेसरी खर्चे आप पे पड़ सकते हैं, तो समस्त रूल्स का फॉलो करते हुए कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी ग्रहों की गणना साफ साफ तौर पर दिखा रही है और महत्वाकांक्षा भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से ना लगाएं और इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई धोखा होने के अवसर साथ साथ बन रहे हैं। ऐसे में क्या हो करें आप जिससे आपके ग्रह अनुकूल हो जाएं। मंगलवार का अवसर है और सुंदर विशेष तौर पर अधिक मास का अंतिम मंगलवार है, सावन का अधिक मास चल ही रहा है, तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड और साथ साथ रुद्राभिषेक भंडारे का विशाल कार्यक्रम रखा है, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को आप हमारे फेस पेज पे लाइव भी देख सकते हैं आचार्यवाणी के पेज पर। 16 अगस्त की हम बात कर लेते हैं, बुधवार का अवसर है और अमावस्या तिथि है, अधिक मास की अमावस्या, अधिक मास के अंतिम दिन और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह थोड़ी भारी रहेगी, शाम के समय पॉजिटिव साइंस आने के योग आपको प्राप्त हो जाएंगे। अधिक मास की अमावस्या है तो अपने पितरों के निमित्त पुण्य करने का शुभ योग है। यदि आपके जीवन में आपके पूर्वज आपको बार बार दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज कई बार हमारे सपने में नहीं दिखाई देने चाहिए, यदि दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अशांति है, पितरण आपको समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, तो उनके निमित्त गायत्री जप कराएं। अपने पितरों के निमित्त वैसे ही आपको अवश्य, कई लोगों के मन में भ्रांति है कि हम तो गया जी जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कराए आए थे तो हमको दोबारा क्यों कराया जाए। देखिए वहाँ के स्थान का महत्व कहा गया है, लेकिन ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को अपनी 3 पीढ़ी तक अमावस्या और श्राद्ध में अवश्य अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, चाहे आप कहीं भी करा के आए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अवश्य, अन्यथा पितृ ऋण आपको हमेशा परेशान करेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था बनाई है कि जिन लोगों के साथ दिक्कत आती है, कोई ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या आपके लिए गायत्री जप आप नहीं करा पा रहे हैं, तो हमने आश्रम पर सुंदर व्यवस्था बनाई है, तो आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण और ये सब कार्य करा सकते हैं, अपने गायत्री का जप करा सकते हैं, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं। तो इस अमावस्या के दिन अवश्य इस पुण्यदायक अवसर पर ये आप कार्य कर लाभ ले सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए मैंने कहा कि सुबह का समय थोड़ा भारी है, शाम के समय आपके लिए शुभ सूचनाएं आने का योग बनेगा, तो बहुत सोच समझ के सुबह कार्य करें, शाम के समय पॉजिटिव साइंस आपको प्राप्त होंगे। 17 तारीख की बात कर लें, 17 तारीख के लिए शुभ परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सावन का अधिक मास समाप्त होकर शुक्ल पक्ष का उदय हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, उस दिन गुरुवार का अवसर है, सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं।
सिंह राशि अपनी राशि आपके लग्न में 12वें भाव से निकलकर सूर्य लग्न में आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनने वाला है, आपके प्रभाव में कीर्ति में वृद्धि के योग देने वाले हैं। और वहाँ पर पहले से बुध विद्यमान है और ये बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं। बुध आदित्य योग जो बन जाएगा ये बहुत सुंदर रहेगा और बुध अस्त भी नहीं है, ऐसे में बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं और बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। ये आपकी कीर्ति में भी वृद्धि करने के संकेत देगा। ऐसे में और लाभ लेने के लिए ऐसे में आप कोशिश ये करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी नूली डालें और पीला पुष्प कनेर का लेकर भगवान को ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, भानवे नमः, इन सब मंत्रों का जप करते हुए भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए। देखिए इस महीने में बहुत परिवर्तन के योग बनने वाले हैं, सूर्य आपके लिए चार चांद लगाने के योग देने वाले हैं। ऐसे में पूरा क्या प्रभाव होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा वो वीडियो। 18 तारीख को यदि हम बात करें तो उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है ग्रहों का और ये परिवर्तन आपके लिए जो सूचना लेके आया है वो विशेष तौर पर बहुत शुभ रहने वाली है। शुक्रवार का दिन है, द्वितीया तिथि है और इस दिन जो कन्या में मंगल का प्रवेश हो रहा है, लग्न में चलते हुए चंद्रमा मंगल जो है वो सिंह से हटकर अब कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह में सामने सूर्य के साथ शनि के साथ सब सप्तक योग मना रहे थे मंगल, ये हटकर अब आगे चले जाएंगे और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपकी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, आपके जो धन में आपकी समस्या थी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी सेविंग्स में एक्यूमुलेट करने का योग बनेगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। कुटुंब में परिवर्तन का योग बन सकता है। ऐसे में गौ सेवा यदि आप कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, ये सुंदर योग हम आपको बना रहे हैं। वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि कन्या में मंगल क्या करेंगे आने वाले समय तक, लेकिन एक दिक्कत यह है कि शनि के साथ समसप्तक योग खत्म होने के षडाष्टक योग बन जाएगा। दूसरी समस्या एक और है कि चंद्रमा जो है वो आज दर्शन देंगे उस दिन शाम के समय, और चंद्रमा का जो ये दर्शन होगा विशेष तौर पर, ये आपके लिए विशेष तौर पर एक बात समझें कि लाल रंग का चंद्रमा उदय होगा आज के दिन, हल्का सा चंद्रमा होगा और ये लालिमा युक्त होगा। लालिमा युक्त चंद्रमा जब द्वितीया के दिन दिखाई देता है तो ये विश्व में भयानक भय का वातावरण बनाता है, तो हमें दिखाई देता है कि अशांति का वातावरण बन सकता है और कई प्रकार के क्लैशेस बढ़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि भारत में किस प्रकार की स्थिति बनी और ये आगे आने वाले समय में इसका आफ्टर इफेक्ट जो है बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में अशांति का वातावरण विश्व में आने वाले समय में भारत में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ऐसे में जब ये सब आंदोलन कई सारे उठापटक कई सारे राजनीतिक उठापटक के योग दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं भय का वातावरण बना सकते हैं। ऐसे में संगी जो चंद्रमा जब निकलेंगे तो वो दोनों बैलेंस रहेंगे, कोई भाव उठा नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस रूप से दोनों श्रृंगी जो चोंच है चंद्रमा की वो बराबर रहे। ये शेयर बाजार में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन का लक्षण, यानी बाजार में भाव में कहीं ना कहीं उठापटक के योग दे सकते हैं। जो लोग रुई का काम कर रहे हैं, कपास का काम कर रहे हैं, अन्न खाद्यान्न का काम कर रहे हैं, चांदी का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। एक शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है इस दिन, शुक्र उदय हो रहे हैं। ये आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, ये आपके लिए उन्नति का सूचना देने वाले हैं और आने वाले कुछ समय तक बहुत सुंदर तरीके से शुक्र यहाँ वक्री और मार्गी दोनों रहेंगे। पहले वक्री चल रहे हैं, अभी वापिस आएंगे, फिर मार्गी भी हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, आगे बढ़ने के योग देनेगा और बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है बहुत सुंदर तरीके से। आपके लिए ग्रह गणना साफ साफ सूचना दे रही है इस तरीके से, तो आपको इसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, तो आप इसके अनुकूल कार्य करने का प्रयास करें। अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जैसा हमने कहा कि आपको गौ सेवा करें, क्योंकि शुक्रवार का अवसर है और ये योग भी बड़ा आपकी राशि के अनुसार से अनुचित है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको गाय कहीं नहीं मिलती है तो चिंता ना करें, हमने विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सुंदर गौशाला की व्यवस्था कर रखी है। आप यहाँ पर भी अपने आप यदि आश्रम में सहयोग करके गौशाला के निमित्त कुछ दान पुण्य कर अपने पुण्य को अर्जित कर सकते हैं, सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 19 तारीख यदि हम बात करें तो अगस्त को शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि उस दिन तृतीया तिथि है और साथ साथ हरियाली तीज है। यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस वाला समय रहेगा, आपके लाभ को बढ़ा सकता है, मंगल के साथ चंद्रमा का योग बन जाएगा, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। हमने अभी आपको बताया था कि 2 तारीख को एक जो विशेष तौर पर 18 तारीख को जो ग्रहों का योगा योग है वो कहीं ना कहीं भयग्रस्त कर सकता है। ऐसे में इसके अगले दिन ही हरियाली तीज है, मधुश्रवा तीज है, कहा जाता है कि इस दिन एक प्रयोग किया जाना चाहिए,
माँ भगवती पार्वती और शिव को शहद के द्वारा स्नान कराने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, और उस वक्त दुर्गा जी की नामावली का पाठ किया जाना चाहिए। ओम दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गापद निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्य लोक दवानला। और इस जो स्तोत्र है इसकी नामावली के बाद में कहा गया है, पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय, यानी जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके समस्त भय दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को कर आप बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो नित्य प्रति इस मधुश्रवा तीज से आने वाले करीब करीब 20 दिन तक ये उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके मन में जो शंका उत्पन्न करने के योग बना रहा है ये ग्रहों का योगायोग, वो दूर होगी और भय से विमुक्त होकर आप कार्य करेंगे और पूर्ण लाभ लेने के योग बना सकते हैं। जिस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं उसके अनुसार से सिंह राशि वालों के लिए सुंदर योग है, इसका आप अपनी मति के अनुसार से उपयोग कर सकते हैं। हमने आपके सामने समस्त रास्ता बताया। 20 तारीख की ग्रह गणना हम जो बताने जा रहे हैं वो दिखाती है कि रविवार का अवसर चतुर्थी तिथि है और उस दिन गणेश चतुर्थी है, सावन के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, ये तो रिक्ता तिथि मानी जाती है, और साथ साथ उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। तो सुबह 11:24 से भद्रा का योग बनेगा। देखिए इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथि चतुर्थी और साथ में भद्रा का योग, तो मेरे हमारी गणना ये कहती है कि ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण तभी कार्य करने का प्रयास करें, नहीं तो ये मुहूर्त शुभ नहीं होगा। रिक्ता तिथि और भद्रा का योग पढ़ना विघ्न का योग है, ऐसे में नए कार्य आरंभ करना शुभ नहीं है। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश आपको कह सकते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग बन गया है, आप कार्य नया आरंभ करना चाहें तो कर लें, लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं है पूरी तरह से जो ये बताएंगे कि सर्वार्थ पंचांग में लिखना अलग बात है कि सर्वार्थ सिद्ध योग है, लेकिन उस मुहूर्त के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव कितने हैं उन सब का भी गणना की जानी चाहिए। तो हमने आपको बताया चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि, साथ में भद्रा करीब करीब 11:24 पर आरंभ हो जाएगी, जो रात्रि के 12 के बाद तक रहेगी। तो ऐसे में इस समय में नया कार्य नया विचार नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना ठीक नहीं रहेगा। गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का ध्यान करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, सावन का महीना है, दुर्वा अर्पित करने से भगवान के क्या आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। ग्रह गणना अनुकूल है, जो भी कार्य करें अपनी माता जी का आशीर्वाद देकर करेंगे, माँ को प्रसन्न करके कार्य करेंगे तो अवश्य लाभ होगा, ये ग्रह गणना आपको साफ साफ दिखा रही है। तो ये समस्त प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे पहलुओं को देखते हुए हम आपके समक्ष आपके राशिफल को बताते हैं और आशा करते हैं उसके द्वारा आपको लाभ होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। इसके बाद भी यदि कोई मन में शंका हो तो चिंता न करें, आप हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। कोई भी जो मन में प्रश्न है तो उसका निवारण हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जान सकते हैं, या विवेकानंद योगाश्रम में आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इन सब समस्याओं से निजात प्राप्त करने में कोई रास्ता अवश्य प्राप्त होगा।